आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं। ये पार्ट वन लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स वो सब्सटेंस है दैट विल इंड्यूस सेडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को ये कम करते हैं। कैसे? CNS का डिप्रेशन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स इंटरैक्ट विद द ब्रेन एक्टिविटी कॉजिंग इट्स डिसलरेशन। एक्सलरेशन का उल्टा, डिसलरेशन ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कम करेंगे सेडेटिव्स। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स आसान भाषा में काम्स द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। स्लीप जो ना करे वो हैं सेडेटिव, और जो स्लीप करे वो हैं हिप्नोटिक्स। सेडेटिव अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो हिप्नोटिक बिहेव करेगा, मतलब वो सब्जेक्ट के अंदर स्लीप ला देगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट को जनरल एनेस्थीसिया हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन हाई डोज में अगर हम सेडेटिव दे रहे हैं तो, और जनरल एनेस्थीसिया के बाद वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है अगर उसका परमानेंटली CNS डिप्रेस हो गया तो, और उसके बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। ये कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से होते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के। तो अब आप जान लीजिए कि एंग्जाइटी कितने तरीके की होती है। एंग्जाइटी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, किसी से दूर होने के बाद जो इरिटेबिलिटी होती है वो एंग्जाइटी को हम बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। सेलेक्टिव म्यूटिज्म, क्या है सेलेक्टिव म्यूटिज्म? सेलेक्टिव म्यूटिज्म इज अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन नॉर्मली कैपेबल ऑफ स्पीच, बोल सकता है लेकिन वो बोलेगा नहीं स्पेसिफिक सिचुएशंस में। कुछ जगहों पे वो बोल नहीं पाएगा और कुछ पीपल्स के सामने वो बोल नहीं पाता। इसको हम आसान भाषा में शाइनेस बोल सकते हैं या सोशल एंग्जाइटी बोल सकते हैं। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म को एग्जिस्ट विद शाइनेस और सोशल एंग्जाइटी, वो किसी से इंट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा लेकिन एक्चुअली वो बोल सकता है। स्पेसिफिक फोबिया, किसी चीज़ का डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मैंने आपको ये बता दिया, सोशल एंग्जाइटी, बात करने में झिझक। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, किसी चीज़ का फियर इतना बढ़ गया जिसकी वजह से पेशेंट को हो गया उस चीज़ का अटैक, दैट इज़ नोन एज पैनिक अटैक, आगे बताऊँगा इसके बारे में। एगोरोफोबिया, फियर ऑफ प्लेसेस, आपने किसी प्लेस पे कुछ डरावना देखा और उस प्लेस से आपका फिर से एनकाउंटर हो तो उसे हम बोलते हैं एगोरोफोबिया। वो प्लेस, आप उस प्लेस से डरने लगोगे, फिर से एनकाउंटर होगा तो आप डरोगे, दिस फोबिया इज नोन एज एगोरोफोबिया। GAD जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। मेडिसिन आपने दी जिसकी वजह से एंग्जाइटी हुई, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिसिनल कंडीशंस, अदर स्पेसिफिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड अनस्पेसिफिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। तो इतने तरह की एंग्जाइटी हमारे हो सकती हैं जिनके अंदर चार बड़ी मेन टाइप्स आती हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नंबर वन GAD, नंबर टू फोबिक एंग्जाइटी, नंबर थ्री इज पैनिक डिसऑर्डर्स एंड नंबर फोर इज द OCD। स्टार्टिंग विद द GAD जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड है, अगर पब्लिक में देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली GAD ही पाई जाती है। इसके अंदर दो चीज़ आपको बोलनी होंगी, दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सिम्पटम्स ऑफ मोटर टेंशन, मोटर जो फाइबर्स हैं उनके अंदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आप क्या है वो टोन हो जाएगी, ये मैंने यहाँ लिख रखा है मसल टेंशन, और यहाँ लिख रखा है मैंने फॉर वन मंथ। अगर ऐसा सिम्टम एक महीने तक रहे तो आप बोलेंगे उस पेशेंट को GAD है। अगर ये दोनों चीज़ हैं तो आप कंफर्म करोगे कि उस पेशेंट को GAD है। महीने भर तक अगर ये मोटर टेंशन और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो रहे तो GAD कंफर्म है। इंक्रीज इन मसल टेंशन, मसल की टोन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ज़्यादा मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होके एक टाइम आएगा कि मसल को फटीग होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, तो फटीगेबिलिटी वो पेशेंट पर्सन जो है उसको थकान होगी, उसकी मसल टोन हो जाएंगी। और ये मैंने आपको लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी, इसके अंदर क्या होता है ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, मेनली सिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। रैपिड हार्ट बीट, इंक्रीज इन हार्ट रेट, ड्राई माउथ, मुंह सूख जाता है, डिजीनेस, थकान, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, एक जगह पे कंसंट्रेट आदमी नहीं कर पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट GAD। महीने भर तक अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे यू विल कंफर्म द पेशेंट हैज GAD। फोबिक एंग्जाइटी नंबर टू, सिंपल फोबिया किसी भी चीज़ का डर, या फिर दूसरा एगोरोफोबिया फियर ऑफ द प्लेसेस,
एक जगह पे वो गया पेशेंट पर्सन, उस जगह पे उसने कोई डरावनी चीज़ देखी, दोबारा से अगर उस जगह पे एनकाउंटर होगा तो दैट उसको फोबिक एंग्जाइटी होगी एंड दैट इज़ नोन एज एगोराफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। कुछ आदमियों को एनिमल्स और इंसेक्ट से भी डर होता है। सोशल फोबिया, सोशल इंट्रैक्शन जो ना कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पीछे बताया था। सेलेक्टिव म्यूटिज्म के अंदर सोशल एंजाइटी, पेशेंट जो भी है वो सोशल इंट्रैक्ट नहीं कर पाता, दैट इज़ अबाउट फोबिक एंजाइटी। और अगर हम तीसरे नंबर पे आए पैनिक डिसऑर्डर्स, आपने किसी पर्सन को इतना डराया जिसकी वजह से उसको हो गया अचानक अटैक, दैट इज़ एक्यूट अटैक ऑफ फियर, जो आता है पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर। और आखिरी जो चौथे नंबर पे है OCD, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। कोई पर्सन रिपीटेटिव आइडियाज़ शो करे, मतलब उसने चीज़ वो कर रखी है लेकिन उसे बार बार चेक कर रहा है। द कॉमन एग्जांपल इज़ हैंड वॉश, उसने हैंड वॉश कर लिए लेकिन उसे लग रहा है कि उसके हाथों पे अभी भी जम्स है और वो बार बार हर 5 मिनट के बाद हैंड वॉश कर रहा है। दिस इज़ रिपीटेटिव आइडियाज़, उसे वो चीज़ करनी नहीं है लेकिन कंपल्शन है, वो चीज़ वो करेगा, उसको कंपल्सरी नहीं है वो चीज़ करनी लेकिन कंपल्शन है उसके लिए कि वो ये चीज़ करके ही मानेगा। स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील, भले ही वो आदमी कितना ही रिच हो लेकिन वो चोरी करना ज़रूर करेगा, बिकॉज दिस इज़ क्लेप्टोमेनिया विच इज़ एन कम्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन OCD पेशेंट, क्लेप्टोमेनिया, अर्जिंग टू स्टील। वो भले ही रिच हो फिर भी वो स्टील करेगा। तो रिपीटेटिव आइडियाज़ जहाँ शो करे पेशेंट, दैट इज़ OCD, बार बार वो उसी एक चीज़ को दोहरा रहा है। स्लीप के बारे में आपका जानना जरूरी है कि बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू सेडेटिव्स जो स्लीप नहीं करते, और हिप्नोटिक्स जो स्लीप इंड्यूस करते हैं। दो टाइप की हमारे स्लीप साइकिल होती है, NERM और REM स्लीप। NERM इज़ डिवाइडेड इनटू 4-5 सब टाइप्स, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। 5 तरीके की NREM होगी और REM जो है वो एक तरीके की है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, आई की मूवमेंट जिसके अंदर ना हो वो NERM स्लीप, और आईज की मूवमेंट हो लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शंस के अंदर जब आई बॉल के अंदर मूवमेंट होगी, दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेज 0 से, जिसके अंदर आदमी सोता नहीं है, उसने अभी सोना शुरू किया है, उसने अभी आँख बंद की है। कमिंग टू द स्टेज 1, दिस इज स्टेज 1। स्टेज 1 एक्सपीरियंस ए लाइट ट्रांजिशनल स्लीप, बिल्कुल लाइट है, थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशनल स्लीप, ट्रांजिशनल दैट इज ट्रांजिटरी, परमानेंट नहीं है, बिल्कुल हल्की नींद आई है उसे, ड्राउजीनेस उसे महसूस हुआ है और वो शुरुआत है स्लीप की। कमिंग टू द स्टेज 2 स्लीप इन विच मोर स्टेबल स्लीप अकर्स, स्टेज 2 अगर कोई बोले तो इट इज़ स्टेबल स्लीप, स्टेज 3-4 बोले तो इट इज़ डीप स्लीप, स्टेज 0 आपसे कोई बोले तो इट इज़ अभी आदमी जो है वो सिर्फ लेटा है, वो सोया नहीं है, एंड स्टेज 1 स्लीप कि उसने अभी लाइट ट्रांजिशनल स्लीप जो है ड्राउजीनेस महसूस किया है। स्टेज 2 स्लीप जिसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स है लाइक गाबा, जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, दे आर प्रोड्यूस एंड दे विल ब्लॉक द सेंसेस, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू वोक ऑन, आप उस सब्जेक्ट को वेक नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग उसे जगाने की कोशिश करेंगे तो वो जाग जाएगा। ये वो केमिकल्स हैं जो कि गाबा हैं, जो CNS को डिप्रेस कर देते हैं, सेंसरी एक्टिविटी को बंद कर देते हैं, आदमी की सेंसेशन को बंद कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट अबाउट स्टेबल स्लीप। ये जो पूरी स्लीप साइकिल होती है ये 90-120 मिनट्स की होती है, एवरेज मान के चलते हम 100 मिनट की एक स्लीप साइकिल होती है, तो उसके अंदर स्टेज 0 और 1 बहुत ही कम फ्रैक्शन के अंदर माना जाता है। स्टेज 2 मैंने आपको बता दी, और स्टेज 3 और 4 जो कि 1/3 हिस्सा लेता है हमारी इस पूरी स्लीप साइकिल का, 1/3 ऑफ द टाइम वी गिव टू द स्टेज 3 एंड स्टेज 4, दोनों को हम डीप स्लीप बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इसके अंदर रिलीज होता है जो कि हमारी बढ़त कराता है, ग्रोथ हार्मोन इंसान की, एंड 1/3 हिस्सा जो है वो ये लेता है। सोमना एम्बोलिज्म भी जो होता है वो इसी स्लीप के अंदर होता है, पेशेंट रात में जो नींद में चलता है वो स्टेज 3 और स्टेज 4 डीप स्लीप के अंदर ही चलता है। कमिंग टू स्टेज 4, मैंने आपको बता दिया डीप स्लीप, ओके। स्टेज 3 और स्टेज 4 जो है वो बिल्कुल सिंपल है डीप स्लीप,
अब बात करते हैं हम आर ई एम स्लीप की, जिसके अंदर लेटरल मूवमेंट्स ऑफ आई टेक प्लेस, लेफ्ट राइट मूवमेंट आई बोल होती है। आर ई एम स्लीप जो होती है वो माना जाता है कि जो आप ड्रीम देखते हो वो आर ई एम स्लीप के अंदर देखते हो। इंटेंस ड्रीमिंग यू डू इन आर ई एम स्लीप। आर ई एम स्लीप लेने के बाद आपकी जो मेमोरी होती है वो रिवाइटलाइज हो जाती है, आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो आप मेन जो चीज़ याद रखेंगे, सपने जो आप देखते हैं वो आर ई एम स्लीप के अंदर देखते हो। और जो मोस्ट फ्रैक्शन जो इस पूरी स्लीप साइकिल का जो मोस्ट पार्ट है वो स्टेज थ्री और स्टेज फोर के अंदर जाता है, दैट इज डीप स्लीप सोमनाम्बुलिज्म, ए कंडीशन विच अराइज फ्रॉम स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर एन आर ई एम स्लीप। अब स्लीप बताने का फ़ायदा क्या है, अब स्लीप आप देख लीजिए ये सेडेटिव्स कैसे छेड़छाड़ करते हैं हमारे स्लीप के साथ। तो स्लीप में ये जो हमारी स्टेज जीरो की स्लीप है, जिसे हम बोलते हैं स्लीप ऑनसेट, कि अभी तो सोना शुरू ही हुआ है, उसको घटाएंगे और सिर्फ एक ही चीज़ को ये बढ़ाते हैं, दैट इज स्टेज टू एन आर ई एम स्लीप, स्टेबल स्लीप को ही बढ़ाते हैं ये। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स इस चीज़ को ही बढ़ाएंगे, बाकी किसी चीज़ को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सारी चीज़ों को कम कर देंगे, बाकी सारी चीज़ों का टाइम कम करेंगे और स्टेज टू एन आर ई एम स्लीप को बढ़ाएंगे, दैट इज स्टेबल स्लीप को बढ़ाएंगे। आदमी का जो स्लीप ऑनसेट है वो घट जाएगा, दैट इज स्टेज जीरो स्लीप डिक्रीजेज। ड्यूरेशन ऑफ आर ई एम स्लीप डिक्रीजेज, मैंने आपको बता दिया आर ई एम की स्लीप डिक्रीज करेंगे सेडेटिव्स देने के बाद, पेशेंट जो है वो सपने नहीं देखेगा। सोमना एम्बोलिज्म और नाइटमेयर्स, रात को जो डरावने सपने आते हैं, और दूसरा रात में जो चलने की आदत है वो जो स्टेज थ्री और फोर डीप स्लीप के अंदर होते हैं उस डीप स्लीप को भी ये कम करते हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। टॉलरेंस 1 से 2 हफ्तों के अंदर इनकी आदत पड़ जाती है। यूजेस सेडेशन एंड हिप्नोसिस बता दिया। एंटी कन्वल्जेंट एपिलेप्सी के अगर फिट्स पड़े हैं, दौरे पड़े हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं टू काम डाउन द सब्जेक्ट। डायग्नोस्टिक महत्व क्या है इनका, माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर जिनके अंदर हमें एंडोस्कोप ले जाना होता है उसके अंदर हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देते हैं, और जो हमें बड़े ऑपरेशन करने हैं जनरल एनेस्थीसिया अगर मैं बात करूं उसके साथ मिलाना पड़ता है हमें कोई भी सेडेटिव। क्यों? क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया कोई भी इतना पोटेंट नहीं है, रियल लाइफ के अंदर आइडियल नहीं है जो पेशेंट के पेन को कम करे, साथ ही साथ उसकी स्लीप को जो है स्टेज टू स्टेबल स्लीप को बढ़ाए। क्योंकि जितने भी जिए हैं उनसे आपका जो दर्द है वो तो हट जाएगा, सेंसेशन तो सारी डिप्रेस हो जाएंगी, लेकिन वो बंदा स्लीप में नहीं जाएगा। सो दिस सेडेटिव इज़ आल्सो यूज्ड एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन। जीए देने से पहले आप उसे पहले सुलाइए, फिर जीए दीजिए, और उसके बाद आप अपना ऑपरेशन कीजिए। एंटी एंग्जाइटी एंजियोलाइटिक बेचैनी को जो है वो कम करते हैं सेडेशन एंड हिप्नोटिक्स। इनहिबिट्स पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। नाउ व्हाट इज दिस पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेरिब्रम। ये रहा हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ये एक साइनेप्स के अंदर तीन तीन चार चार सेल बॉडी हैं, ये साइनेप्स के अंदर तीन तीन चार चार सेल बॉडी हैं, दिस इज नोन एज मल्टीपोलर न्यूरोन। इसके साइनेप्स के अंदर जाके ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सेरिब्रम जितनी भी उसको सेंसेशन है, सेरिब्रम को जितनी भी सेंस करना है वो सारी की सारी सेंसरी एक्टिविटी को कर देता है ख़त्म, बिकॉज ये साइनेप्स के अंदर चला गया सेडेशन एंड हिप्नोटिक्स, और जिसकी वजह से जितनी भी सेंसरी एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड नहीं होंगी, सेरिब्रम तक नहीं जाएंगी। ये मैंने लिख रखा है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस इनहिबिशन। सो दिस इज व्हाट अबाउट पॉलीसाइनेप्टिक इनहिबिशन। नाउ अगर अल्कोहल देने के बाद विड्रोल सिम्टम्स देखे जाते हैं, बेचैन हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, उस कंडीशन के अंदर हम जो है सेडेटिव हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर दी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, दवाइयाँ क्या हैं, वो पूरी ड्रग्स क्लासिफिकेशन दवाइयों के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा, दैट इज पार्ट टू सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। थैंक यू।